लेतपुरा इलाके में हाईवे से गुजर रहे सीआरपीएफ के काफिले को आतंकियों ने निशाना बना लिया। धमाके के ठीक बाद मौके का मंजर दिल दहलाने वाला है। तस्वीरें आपको बेचैन कर सकती हैं। बख्तरबंद गाड़ी के चीथड़े उड़ चुके हैं, चारों तरफ खून और जवानों के जिस्म के टुकड़े बिखरे हैं। गाड़ियों का लोहा कागज की चिंदियों की शक्ल में सड़क पर फैला हुआ है। हम इस वक्त अवंतीपुरा के इलाके में है, नेशनल हाईवे का ये इलाका है जहाँ पे यहाँ अभी एक ब्लास्ट हुआ है, जिस कुछ ही दूरी पर यहाँ इस वक्त जो है पूरे के पूरे इलाके को घेर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में जो ब्लास्ट हुआ था वो आईईडी ब्लास्ट था और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियाँ इस तरफ चल रही हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इस वक्त यहाँ पे आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लगातार यही कोशिश की जा रही है कि घेराबंदी की जाए और पता लगाया जाए कि कौन लोग इस पूरे हमले में थे। हाईवे किनारे जलती हुई गाड़ी की ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि धमाका कितना ताकतवर था। सीआरपीएफ की जो गाड़ी धमाके की चपेट में आई उसका तो नामो निशान मिट गया, लेकिन उसके आसपास की बाकी गाड़ियों में भी आग का बवंडर फट पड़ा। हमला घात लगाकर किया गया था। सीआरपीएफ के करीब 2500 जवानों से भरी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला इस हाईवे से गुजर रहा था। हाईवे किनारे एक कार पहले से खड़ी हुई थी, इसी कार में आईईडी से लैस आत्मघाती हमलावर मौजूद था। काफिला जैसे ही इस कार के बाजू से गुजरा, कार में बैठे आतंकी ने धमाका कर दिया। There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. कार में सवार आत्मघाती हमलावर की पहचान हो चुकी है। आदिल अहमद डार नाम का ये आतंकी जैश ए मोहम्मद का गुर्गा था और पुलवामा के ही काकपुरा का रहने वाला था। काफिले की इस गाड़ी का हाल देखिए। लोहे की मोटी चादर छलनी हो चुकी है। कार में हुए आईईडी धमाके से निकले लोहे के टुकड़ों ने गाड़ियों का ये हाल किया है। शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि काफिले की बाकी गाड़ियों पर गोलियां बरसाई गईं, लेकिन गाड़ियों का ये हाल असल में कार में हुए धमाके का ही नतीजा है। पुलवामा में हुआ यह हमला पिछले कुछ सालों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। शहीदों की संख्या उरी हमले से भी ऊपर जा चुकी है। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की कायराना हरकत है। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने छिपके पीठ पर वार किया है। इन आतंकवादियों के सीने में गोलियां ठोकेंगे, बच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से भारतीय सेना ने, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, एसएसबी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, आईएसएफ के जवानों ने मिलकर कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है। हाईवे पर जिस जगह ये हमला हुआ उसके दूसरी तरफ बाजार है। हमले के वक्त दुकानें खुली हुई थीं, लेकिन जैसे ही कान फोड़ू धमाका हुआ बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में दुकानों के शटर गिरने लगे। हमले के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और सुरक्षा बलों की दूसरी टुकड़ियां मौके पर पहुंच गई। करीब 40 जवान बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारी बर्फबारी के चलते हाईवे 7 दिनों से बंद था। इसके बाद कल यानी 13 फरवरी को ही इसे खोला गया था। ऐसे में ये सवाल बेहद अहम है कि ठीक एक दिन बाद सीआरपीएफ का इतना बड़ा काफिला यहां से गुजरने वाला है, इसकी भनक आतंकियों को पहले से कैसे लग गई।